राम राम भाई, सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इंडिया अंडरहैंड वॉलीबॉल पे स्वागत है। और आज आपके सामने हैं स्टार प्लेयर अंकित पथरेड़ी, जो कि अपने गेम से प्रसिद्ध हैं, बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। काफ़ी दिन से शूटिंग वॉलीबॉल अंडरहैंड का जो गेम है वो खेल रहे हैं। आज इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, तो भाइयों अब पूछते हैं अंकित भाई से। अंकित भाई, राम राम। राम राम भाई, प्रेम सभी को। राम राम भाई, जितने भी भाई देखने और वाले। अभी क्वेश्चन करते हैं भाई अंकित से। जैसा कि आप टूर्नामेंट में देखा जा रहा है कि रात को 8-9 बजे मैच शुरू होते हैं, क्या कारण है और क्या किया जाए इस समस्या से टूर्नामेंट को छुटकारा मिले, जो अंकित भाई बताएं प्लीज़। भाई पहले तो कमेटी को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और कुछ प्रॉब्लम प्लेयरों को भी होती है क्योंकि जॉब वगैरह जो करते हैं वो लेट ही होते हैं, तो इसलिए कमेटी को भी थोड़ा टाइट होना पड़ेगा और प्लेयरों को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो अंकित टाइम भाई ने से बताया भाई कमेटी पे डिपेंड करता है, कमेटी अगर सख्त होगी तो ये टूर्नामेंट समय से स्टार्ट होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं भाई से, फॉर्मेट कौन सा ठीक रहेगा, आपकी क्या राय है भाई? 6 खिलाड़ियों का सही रहता है जैसा कि पंजाब में चलता है, या फिर 7 प्लेयर प्लेइंग होते हैं हरियाणा में मोस्टली टूर्नामेंट जो होते हैं, आपकी क्या राय है भाई अंकित? 6 प्लेयरों का गेम सही है भाई, बेटर है, उसमें स्पेस भी होता है खेलने के लिए भी और गोल बॉल मारने के लिए भी, सही है। अच्छा तो अंकित भाई ने बताया जैसे कि 6 प्लेयरों का बहुत ही बेस्ट होता है, स्पेस मिलता है और जो गेम है फास्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है भाई, युवा खिलाड़ियों का आपका क्या कहना है कि इस गेम के बारे में, और अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रैक्टिस कितना करना चाहिए भाई? भाई, इस गेम को ना ही खेले तो अच्छा है युवा, क्योंकि इस गेम का कोई फ्यूचर नहीं है आगे, कोई बढ़ावा वगैरह ना, तो गवर्नमेंट वगैरह अप्लाई कर सकते हो, कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग, ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलती है। पर अभी सुनने में आया है कि प्योर जो शूटिंग खेलते हैं उसको कर दिया गया लागू, इस गेम को लागू कर दिया, तो वो खेलना बेटर रहेगा, तो उसके भाई, अकॉर्डिंग फॉर्म वगैरह भी फिल हो रहे हैं। अच्छा, तो भाई ने बताया कि जो प्योर शूटिंग वॉलीबॉल है, टाइट का गेम, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया गया है कई स्टेटों में। तो भाई ने बताया कि युवा खिलाड़ी उसको गेम को स्टार्ट करें खेलना, और जो ये ड्रॉपिंग का गेम है और थर्ड बॉल अंडर हैंड का गेम है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, ये ओनली लोकल गेम है, ओपन टूर्नामेंट होते हैं, बस मनोरंजन के लिए ही समझें। तो युवा खिलाड़ी ज़्यादा ध्यान दें प्योर शूटिंग पे और समय सिंह वॉलीबॉल पे, भाई ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका खेल सभी को पसंद आता है, आप बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और दिनचर्या अपनी बताएं प्लीज़। भाई, प्रैक्टिस तो 3 से 4 घंटे करता हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं, रनिंग वगैरह भी कर लेते हैं उसी हिसाब से। तो भाई अंकित भाई, अपनी हैंड ग्रिप थोड़ा दिखा दें एक बार, सभी प्लेयर देख लें। ये अंकित भाई की हैंड ग्रिप है जिससे कि पावरफुल शॉट मारते हैं मैचों में, आपने देखा ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थर्ड बॉल अंडर हैंड गेम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको क्या-क्या प्रयास करने चाहिए और क्या-क्या नियम होने चाहिए, थोड़ा बताएं प्लीज़। भाई, थर्ड बॉल अंडर हैंड को एक ही फॉर्मेट करना चाहिए, एक ही रूल हर स्टेट में, हर जगह एक ही रूल होगा तभी कुछ हो पाएगा, और नीचे नेट और 6 प्लेयरों के लिए सही रहेगा, ये फास्ट भाई हो जाएगा गेम। मेरी भी यही राय थी जो भाई अंकित ने बताया, कि जो एक ही नियम, जो नियम होते हैं गेम के, वो एक ही नियम सभी स्टेटों में लागू हो जाएंगे और जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं सेम हो जाएंगे, तो इस गेम को बढ़ावा भी मिलेगा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी हो जाएगा। तो भाई ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूवर जो देख रहे हैं आपका वीडियो, उन सभी भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? भाई बहुत अच्छा चैनल है प्रेम भाई का, और इसको जितना हो सके सब्सक्राइब फॉलो करें भाई, बढ़िया है प्रेम भाई, हर तरह के मैच मिल जाएंगे चैनल पर। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई आपका चैनल पे आए, आपका आपने समय निकाला और बहुत ही अच्छी बातें बताई युवा खिलाड़ियों को भी। तो भाई सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम भाई सभी भाइयों को,
और जो भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी टूर्नामेंट होते हैं, मोस्टली सभी टूर्नामेंट का प्रयास होता है कि जो अच्छे मैच होते हैं वो HD क्वालिटी में आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाइयों।